राजस्थान सरपंच संघ के निर्देश पर अजमेर जिला सरपंच संघ ने आज अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश महामंत्री शक्ति सिंह रावत, संरक्षक महेंद्र सिंह मजेवला के साथ अजमेर जिला अध्यक्ष हरिराम बाना के नेतृत्व में अजमेर जिले की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अजमेर जिला परिषद से रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अजमेर जिले के विभिन्न पंचायत समितियों से आए हुए सरपंचगण मौजूद रहे। सरपंच नीरज चौधरी, कृष्ण गोपाल सेन, पदम खाजिर, दिलीप राठी, मान सिंह रावत, भागचंद जाट, भंवर बहादुर चीता, इकबाल छिपा, रणजीत नवाब के साथ अजमेर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों से आए हुए सरपंचों ने अजमेर जिला सरपंच संघ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्राम पंचायत पाटन के सरपंच तेज सिंह राठौर ने बताया कि सरपंच अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 5 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव करेंगे। अब ये तो अपन आपकी बात तो भिजवा देंगे। मुख्यमंत्री महोदय के 50-60 गांवों के काम के आपके जो ग्राम सभा में अनुरोध होने से 27 तारीख को हुई है। नहीं हुई सर, इसका तो सभी बहिष्कार किया हमने, सभी कार्य सरपंच संघ पिछले 3 सालों से आंदोलनरत है। फर्स्ट बैठक इनकी सरपंच संघ की मुख्यमंत्री के साथ हुई, उसमें भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। उसके बाद फिर नए मंत्री बने, रमेश जी मिला, उनके साथ हमारी मांगे हुई, उन्होंने भी हमारी मांगे नहीं मानी, वादा खिलाफी हुई। और अभी जब मंत्री जी जिलेवाई घूम रहे हैं तो पहले पाली में, फिर अजमेर, फिर नागौर, अभी नागौर जब वो गए तो उन्होंने नागौर में बिना जांच हुए 300 करोड़ के घोटाले का, बिना जांच हुए 300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया। उसको लेकर सरपंच संघ आहत है। उसको लेकर आज पूरे प्रदेश भर में हर जिले मुख्यालय पर आज सरपंच संघ ज्ञापन दे रहा है और 5 तारीख को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में अनिश्चितकालीन सरपंच संघ महापड़ाव करने जा रहा है। सरपंच संघ जिंदाबाद, सरपंच संघ जिंदाबाद।